हाँ जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब राजस्थान पर। इस चैनल के माध्यम से मैं राजस्थान सरकार की समस्त वैकेंसी संबंधित अपडेट और साथ में राजस्थान जीके का देने को करवाता हूँ। तो बिल्कुल आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान जीके से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, बिल्कुल वो हम पढ़ेंगे। इसमें मैं 10 क्वेश्चन की ये सीरीज लेके आ रहा हूँ, तो इसमें 10 क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके के पूछ बिल्कुल हम एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है जो पगड़ी पर लगाया जाता है, यानी कि गोखरू है, बसेड़ है, सरपेच है या जेला है। तो दोस्तों पगड़ी का आभूषण है वो सरपेच है, सरपेच है वो पगड़ी पर लगाया जाता है। तो अपना आंसर हो गया सरपेच। अगला क्वेश्चन है कि रागमाला किसके द्वारा रचित, मतलब जो रागमाला ग्रंथ है वो किसके द्वारा रचना की गई थी। पुंडरीक विल्नी विट्ठल, दोस्तों पुंडरीक विट्ठल और कुंबा, ठीक है, उस्ताद चांद खान या पंडित भाव भट्ट, भाव भट्ट, ठीक है। तो कौन थे जिन्होंने रागमाला ग्रंथ की रचना की, तो वो थे पुंडरीक विट्ठल, ठीक है, अपना आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि बर्ली स्टोन एपिग्राफ, यानी बर्ली का जो शिलालेख है वो चिन्हित किया गया, यानी कौन सी जो है भाषा में वो लिखा गया है, कौन सी लिपि है उसमें बर्ली स्टोन है वो लिखा गया है। तो संस्कृत पांडुलिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है, प्राकृत में है या क्रोष्टी में। तो दोस्तों जो बर्ली स्टोन है वो ब्राह्मी लिपि में वो लिखा गया है और ये अजमेर के बिल्कुल बड़ली गांव से प्राप्त हुआ है, ठीक है, बड़ली गांव का है अजमेर में और यह ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ बर्ली स्टोन है वहाँ से पाया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल अगला क्वेश्चन अपना है कि गधों का मेला, बिल्कुल अगला है कि गधों का मेला लगता है, यानी कि कहाँ पर है वो गधों का मेला लगता है, जयपुर में, भरतपुर दौसा, भरतपुर दौसा और धौलपुर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, गधों का मेला लगता है दोस्तों जयपुर ज़िले में, जयपुर ज़िले में। अगर जगह पूछे तो आपको याद रखना है चाकसू, चाकसू के अंदर है वो गधों का मेला भरता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक और हमें बिल्कुल जगह दे रखी है, वहाँ के सिक्के दे रखे हैं, दूसरी ओर यानी धौलपुर के सिक्के आगे दे रखा है, बिल्कुल ये बिल्कुल तमंचा साई, ठीक है, तमंचा साई धौलपुर के सिक्के, करौली के सिक्के माणक साई और प्रतापगढ़ के सिक्के सालिम साई, दोस्तों तालिम नहीं सालिम साई और भरतपुर के सिक्के मदन साई। तो आपको ऐसे में नहीं पहचाना, तो धौलपुर के सिक्के तमंचा साई राइट है, करौली के सिक्के भी माणक साई सही है, प्रतापगढ़ के सिक्के भी सालिम साई है, लेकिन भरतपुर के सिक्के मदन साई ये असुमेलित है। तो अपना आंसर ये हो जाएगा मदन साई जिले, अगर पूछे आपको कहाँ के सिक्के हैं तो ये आपको ध्यान रखना है झालावाड़ के, ठीक है, झालावाड़ के हैं वो सिक्के, क्या कहलाते हैं, मदन साई कहलाते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए, अगला है कि हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा है। बिल्कुल हल्दी घाटी के युद्ध को नाम को लेकर 3-4 क्वेश्चन बनते हैं और 3-4 क्वेश्चन ही हर एग्जाम में बिल्कुल रिपीट होते हैं, ठीक है, तो ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध है वो किसने कहा था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल, अबुल फजल ने है बिल्कुल हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था। और अगर पूछे बदायूनी ने, तो बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा था, गोगुंदा का युद्ध कहा था। और कर्नल टोड़ ने क्या कहा था, मेवाड़ की थर्मोपोली है वो कर्नल टोड़ ने कहा था, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, अबुल फजल ने क्या था कि खमनोर का युद्ध, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध और कर्नल टोड़ ने वो मेवाड़ की थर्मोपोली है हल्दी घाटी के युद्ध को नाम है वो दिया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए, अगला है कि तुंगा का जो लड़ाई है वो लड़ी गई थी, यानी तुंगा की लड़ाई कब लड़ी गई थी, ठीक है, बिल्कुल ये जयपुर जो आमेर शासक है उनके युद्ध माना, मतलब उनके और जो अपने मराठा है उनके बीच ये युद्ध हुआ था। तो तुंगा की लड़ाई वो कब लड़ी गई थी, 20 अगस्त 1786, 28 जुलाई 1787, 28 जुलाई 1790 या 30 अगस्त 1782। तो तुंगा की लड़ाई की अगर सन पूछे तो आपको याद रखना 28 जुलाई 1787, अपना आंसर बी है वो राइट होने वाला है। बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए, अगला है कि बारह कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य वो प्रसिद्ध था, ऐसा कौन सा राज्य है जिसे बारह कोटड़ी में मतलब विभाजित किया गया था, आमेर, सिरोही, बीनमाल या कोटा। तो बिल्कुल आमेर को बारह कोटड़ी के नाम से भी जानते हैं और इसको बारह नहीं अलग अलग कोटड़ियों में बांटा गया था, किसने बांटा था वो भी पूछ ले अगर, तो शासक कौन था उस टाइम, वो था पृथ्वीराज, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है कि राजस्थान में राई का जाति किस व्यवसाय से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राय का जाति किसके लिए जानी जाती है, परंपरागत घोड़े पालन पोषण करता, परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता, नमक व्यापारी, गांव-गांव से माल बेचने वाले।
तो दोस्तों राइका जाति है वो ऊँट का पालन करती है और उनका पोषण करती है, यानी कि ऊँट पालक जाति है वो राइका जाति कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है कि राजस्थान संस्कृति में ओढ़ूंदी क्या है। बिल्कुल कला संस्कृति से पूछा गया क्वेश्चन है कि ओढ़ूंदी है वो राजस्थान संस्कृति में क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, यानी विवाह का एक प्रकार है, लोक संगीत का एक प्रकार है, या नववधु के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री है, या क्षेत्रीय खेल का एक प्रकार है। तो दोस्तों ओढ़ूंदी है वो नववधु जो होती है, जो अपने शादी के बाद में अपने ससुराल जाती है, तो उसके साथ में जाने वाला पुरुष या स्त्री को क्या कहते हैं, ओढ़ूंदी कहते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के अपने 10 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहले भी मेरे बिल्कुल इससे संबंधित आपको प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी, उस पर काफ़ी वीडियो है मैंने डाल रखे हैं, आगे भी ऐसी सीरीज है अपनी चलती रहेगी, ऐसे बिल्कुल वीडियो मैं डालता रहूँगा, तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े और वो प्लेलिस्ट है वो जरूर बिल्कुल ज्वाइन करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।